फाइनली आ गया हूँ पेरिस एयरपोर्ट। मेरी फ्लाइट थी 9 घंटे 25 मिनट की। मेरे साथ भावेश है। ये डायनासोर उड़ा दिल्ली से काबुल। भाई मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी शायद। भाई ये अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ेगी। मे बी यू नो इट कैन फ्लाई बिकॉज आई कैन सी कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान काबुल और फिर ये ईरान वगैरह और फिर ये यूक्रेन, फिर आ गया इतने जर्मनी, फिर आप आए गए थे पेरिस। कैन यू सी? या एयरबस। ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस टिक्की मैन, इट लुक्स ग्रेट। अब हम आपको दिखाएंगे जादू। वापस से धूप हो गई है। धूप में से आए थे, वापस धूप हो गई है 5 घंटे बिताने के बाद। ये इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये भाई डार्क हो जाता है शेड, सो दैट आप आराम से रेस्ट कर सको, और ऊपर करेंगे तो वाइट हो जाता है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज नाइस, और अच्छा खासा हो जाता है डार्क, है ना, पता भी नहीं चलता है, जस्ट लाइक दैट। या कोविड टेस्ट आपको 48 घंटे पहले कराना होता है, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए 48 घंटे पहले की। यानी कि आज अगर आपने कोविड टेस्ट किया है तो वो 48 घंटे तक रिपोर्ट वैलिड है, यानी कि आपकी फ़्लाइट उसी दौरान होनी चाहिए, उसके बाद वो रिपोर्ट वैलिड नहीं होती। मैंने कल टेस्ट किया था, आज सुबह रिपोर्ट आई और आज ही मेरी फ़्लाइट है, सो दैट्स हाउ इट वॉज। और टेस्ट करने में सिर्फ 500 रुपये लगे। आई गॉट इट डन फ्रॉम HOD रजौरी गार्डन। उसके बाद में बात आई मेरे वीज़ा की। वीज़ा जो है वो मेरा लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा है जर्मनी का, और बिकॉज आई हैव अ प्रोजेक्ट देयर फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद भी शायद मैं वहीं रहने वाला हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। अगर आपको विजिट वीज़ा पे जाना है तो विजिट वीज़ा और स्टे वीज़ा सभी के लिए VFS आजकल अपॉइंटमेंट देता है, और अपॉइंटमेंट का जो आपका नंबर है, अपॉइंटमेंट जो मिलती है आपको, वो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद मिलती है। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, और अपॉइंटमेंट तो एक्चुअली इंस्टेंटली मिल गई थी। वॉक इन था मेरे लिए कि मैं जाऊँ और अपॉइंटमेंट ले लूँ और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँ। वो ऐसे हुआ कि मेरा लेटर पहले वहाँ से आ नहीं रहा था जर्मन गवर्नमेंट से, बट जब जैसे ही वो मेरा लेटर आया जर्मन गवर्नमेंट से, तो उसके बाद में मैंने एम्बेसी को मेल किया उनके मेल आईडी पे। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो, डायरेक्टली राइट डाउन टू एम्बेसी, बिकॉज VFS जो है वो सिर्फ एक बीच की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करती है, उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती। सो ऑलवेज राइट योर स्टफ़ टू एम्बेसी डायरेक्टली, किसी भी देश आप जा रहे हैं, सो दैट आपका कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट हो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि इस आदमी का प्रोजेक्ट जो है वो 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 1 जनवरी से, तो उन्होंने मुझे इंस्टेंट अपॉइंटमेंट दे दिया, वॉक इन अपॉइंटमेंट दे दिया, कि मैं कभी भी जाके VFS के ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ और अपॉइंटमेंट अपनी वीज़ा प्रोसेस कर सकता हूँ। सो जैसे ही मेरा लेटर आया, मैंने उनको मेल लिखा, मेल में उन्होंने रिप्लाई करा कि आप वॉक इन अपॉइंटमेंट आपके पास। मैंने मेल जाके VFS में दिखाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट किए, एंड टू माई सरप्राइज एंड टू एवरी वन सरप्राइज 3 दिन में मेरा वीज़ा लग के मेरे हाथ में आ गया, सो दैट आई कुड जस्ट ट्रैवल वेन एवर आई वॉन्टेड। एंड सो हियर आई एम एट द एयरपोर्ट एंड ट्रैवलिंग टू पेरिस इन जर्मनी। और बिकॉज वी आर नाउ मूव्ड ऑन टू अनदर टाइम जोन, बिकॉज हमें आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है। ओ वाओ मैन, आई डोंट नो हाउ मच इज विजिबल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल डाउन देयर। ओ क्या लग रहा है, ये कौन सी जमीन है भावेश? हम कहाँ पे हैं बताओ? अफगानिस्तान। हाँ अफगानिस्तान, आई थिंक यू आर लव विद यू आर। माय गॉड ये पूरी ज़मीन देखो पूरा ड्राई है यहाँ। खैर हमने भाई हम यहाँ पर देखो, अगर आप देख सकते हो, सो वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस, हाफ से कम, और टाइम हो गया है भाई अभी इंडिया का टाइम जो हो गया है भाई 5:30 हो गए हैं, 5:45, और हमने ये फ़्लाइट ली थी दोपहर को 2:45, तो 5:45 हो गए, यानी कि हमने 2-4 घंटे बिता लिए हैं, और 9 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है, तो 5 घंटे अभी बाकी हैं। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए सब हमारा हिसाब किताब यहाँ पे है, एंड सानू एक इंडियन बंदा साडा फ्रेंड मिल गया थे, भावेश मिल गया। यस मैं फ्लाइट में हूँ गोइंग टू पेरिस, एंड खाने का टाइम हो गया है, एंड आई ऑब्वियसली चूज द वेजिटेरियन थिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ और मैं क्या पी रहा हूँ। Thank you.
guys, this is the meal that I'm getting here. इंडिया का बटर पेरिस तक, और ये एक पीस ऑफ ब्रेड है, एंड हियर वी हैव दिस चॉकलेट डिजर्ट, शुड बी डिलीशियस, राजमा चावल. इतने देखो जी, राजमा चावल आ गए. ब्रो, हाउ इज द टेस्ट ब्रो? हाँ, इट्स गुड. क्या राजमा प्लस आलू मटर दिए भाई इन्होंने? चलो फिर भी ठीक है. और साथ में टाइगर बियर है हमारे लिए, यहाँ भी है, अभी एक और आएगी, हम तीन ले सकते हैं भाई. सो इट्स फन. So I'm liking the flight. It's good experience. Vistara is good, like in terms of flying experience, in terms of food and everything. Till now, it's good. I'll update you after the flight. So, bhai, अभी हम bore हो रहे हैं. So Bhavesh और मैं खेल रहे हैं game. और वो pool खेल रहे हैं हम flight में. यहाँ पर इसमें internet की सही से भाई सुविधा है. Vistara की flight बहुत ही जबरदस्त है. So, मजे हो रहे भाई, निकल गई. So guys, अभी हमारा आ गया है शाम का नाश्ता पेरिस में उतरने से पहले. So, ये तगड़ा सा भाई केक है, बहुत अच्छा सा, सॉफ्ट सा, इट्स नाइस. वाटर बॉटल, सम कटलरी एंड अ नैपकिन, एंड दिस इज व्हाट, गर्मा गर्म टिक्की छोले. ये होती है बात भाई, टिक्की मिल रही है भाई फ्लाइट में, सानू देसियां नू मिल गई टिक्कियां. हुण मौजां लुट्टो यार बस. ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस टिक्की मैन, इट लुक्स ग्रेट मैन. टिक्की ले, क्या बात है. दिस ब्राउनीज सुपर्ब, चॉकलेट ब्राउनीज सुपर्ब. चीयर्स ब्रो. चीयर्स टू पैरी. Cheers to Paris. Paris, it's Paris. 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 Yeah. Hey, today, babe, sorry, Titi beer lag gayi hai. Very bad, but koi chakkar nahi. Good for health, yaar. Good for liver. Main mere papa kehnde it's good for liver because unna nu peeni hundi hai. To laga rahe hain bhai chota chota. But it's actually quite like a cold drink actually. मतलब मजाक की बात है दैट वी आर ड्रिंकिंग बियर बिकॉज इट्स जस्ट 5% अल्कोहल, सो इट्स जस्ट लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन, जस्ट चिलिंग आउट. बंदे नु कंपनी दे रहा मैं थर्ड बियर में बेशर्मो. गाइस, यहाँ पर जैसे ही हमने लैंड किया तो हमें दो तरह के फॉर्म दिए गए हैं, फ्लाइट में ही दिए गए थे एयर होस्टेस के द्वारा. एक फॉर्म है जो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, और एक और है जिससे कि मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग दे आर जस्ट यू नो डूइंग सो दैट दे कैन ट्रैक पीपल. और हम अब यहाँ से जाएंगे जो चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है पेरिस का, वो 30-35 किलोमीटर दूर है सेंटर से. हूँ आप लवेंगे थोड़ा साढ़ा टैक्सी ला रहा, तो मैंने थोड़ी जी लिफ्ट दूंगा आधे रास्ते तक समवेयर यू नो. And from there on, I will walk or something like that, or just take some taxi or take some metro or something like that. कैश जो कैरी करने की समस्या आती है, बिकॉज अगर आप जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, बिकॉज यू विल कन्वर्ट योर INR टू यूरोज एंड देन यू विल ट्रैवल ऑब्वियसली. सो मैं कुछ ज़्यादा यूरोज कैरी कर रहा था, मतलब जो थोड़े से हायर साइड पे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़े से हायर साइड पे. सो मुझे कस्टम में एकदम से रोक लिया अभी, कि रैंडमली पिक करते हैं वो, कि भाई है ना कस्टम्स में किसको रोकना है किसको नहीं. तो फिर उन्होंने मुझे रोका और बोला कि भाई आपके इसका सर्टिफिकेट दिखाओ. सर्टिफिकेट मेरे पास था नहीं मेरे जेब में, बट अच्छी बात ये थी कि मैंने बिल वाले यूरोज लिए थे. बिल वाले यूरोज 30-40 पैसा महंगे होते हैं, यानी कि मेरा मेरे मुझे यूरो पड़ा था 85 रुपये 70 पैसे का,
और जो अनबिल्ड होता है यानी कि नॉन बिल वाला वो था 85 रुपये 30 पैसे का। पर मैंने बोला नहीं भाई मुझे बिल वाला दो, अगर आज मेरे पास बिल नहीं होता तो वो मुझे बोलते कि या तो अपने यूरो दिल्ली में रख के जाओ, यानी कि मुझे वापस दिल्ली पहले घर जाके उसको अपने यूरोज रखने पड़ते और पैसे भी मैं नहीं लेके जा सकता था। सो ऑलवेज़ रिमेंबर गाइज कि आप हमेशा यूरो ख़रीदो और या कोई भी करेंसी ख़रीदो, बिल वाला ख़रीदो, सो दैट यू नो यू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और GST उस पर ज़्यादा नहीं होता, 0.18% होता है, 200-300 रुपये लगता है अगर आप कितने भी लेते हो, मतलब यू नो ज़्यादा होता ही नहीं है। सो इट्स ऑलवेज़ good to go with you know after paying taxes to the government, aapke paas bill hona chahiye so that aapko problem na ho. Aur ab main yahan se flight board kar raha hu Indira Gandhi airport se Delhi se. Aaj 26 december hai, dopahar ke 1:30 baje, abhi 1:15 hue hain, aadhe ghante ke baad meri flight jo hai depart hogi yahan se aur wo pahunchegi shaam ko 6:40 Paris, kyunki 5 ghante ka aapko pata hai ki 4.5 ghante ka fark hai। यहाँ के टाइम के हिसाब से 9 घंटे 25 मिनट की फ़्लाइट है, तो रात को 11 बजेंगे यहाँ और वहाँ बजेंगे 6:40। तो मिलते हैं फिर आपसे पेरिस में, आईफिल टावर के नीचे।